वापस सीक्वेंस में आप एलिमेंट्स को ऐसे रखते हैं इन सेट फॉर्मेट फॉर ये इसको क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट योर एलिमेंट सेपरेटेड बाय कमास बट कुछ ना कुछ पैटर्न को फॉलो करेगा ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कुछ लिखोगे दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस सपोज 1 4 देन 10 21 कुछ ऐसे लिखेंगे देन इट इज नॉट सीक्वेंस ठीक है ये सेट ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है बट इट इज नॉट सीक्वेंस कुछ पैटर्न फॉलो कर जाएगा देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दो दो का डिफरेंस ले रहा हूँ 1 3 5 7 देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस यहाँ पे मैंने रखा 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square then it is called sequence ठीक है सीरीज क्या होता है उसको हम कोई ऑपरेशन यूज करेंगे प्लस मैंने यूज किया और की माइनस यूज किया then it is called सीरीज ओके सर ठीक है हाँ सर So already you know FP sequence, arithmetic progressions. Yes, sir. Geometric progression पता है? Yes, sir. नहीं sir. No, sir. हाँ sir. पढ़ा था. Sir, अब मैंने तो कभी सुना ही नहीं. Sir, GP बताओ sir एक बार. GP सुना है. A to the power n minus कुछ होता ना sir? HP. A R into n minus one. LGP and some special series. हार्मोनिक प्रोग्रेशन ओके एफ यू ऑलरेडी यू नो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यस जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन एजीपी वो नहीं मालूम सर arithmetic geometric arithmetic को geometric progression it is mix of AP and GP okay sir अब दोनों भी true हाँ arithmetic को geometric progression और कुछ special series करेंगे ठीक है एफपी सीक्वेंस क्या होता है कौन सर सर एफपी सीक्वेंस क्या होता है सर जो डिफरेंस रहता है कॉमन रहता है कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी ए प्लस टू डी मतलब वही ना हाँ वही हाँ वही मेरा आपको नो नाउ कम टू एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन योर सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ ए ए प्लस डी a plus 2d, a plus 3d, and so on. This is your first term and denoted by t1. Yes, sir. This is your second term denoted by t2, t3. This is your t4. क्या follow कर रहा है? क्या pattern follow कर रहा है? d d add होते जा रहे हैं. कोई भी दो कंजुगेटिव का डिफरेंस आपको सेम देगा हाँ सर कंजुगेटिव डिफरेंस तो व्हेन इट इज टी टू यू आर गेटिंग 1 इनटू टी टी थ्री के लिए 2 इनटू टी टी फोर के लिए 3 इनटू डी टी एन के लिए क्या होगा एंथ टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी प्लस 9 डी ठीक है Yes, sir. This is your part, AP sequence.
इट्स nth टर्म विद द a plus n minus 1 into d and where a is called first term. d is called common difference. तो हम इसको सीडी इन जनरल लिखते हैं, ठीक है? हाँ शे। and s of n number of terms. What is your how to find out your common difference? Common difference आप कैसे निकालोगे? Difference between two common consecutive terms. So you can write tk plus one minus tk. मतलब this is k plus one term minus kth term. और you can write tn minus tn minus one. So ये दो consecutive इसका difference. ठीक है? What is your sn? N by two into t one plus tn. N by 2 will into 2a plus n minus 1 into d. अच्छा तो हम लोग t1 plus tn भी लिख सकते हैं ना? First term plus last term. You can write n by 2. 2a you can write a plus n minus 1 into d. हाँ sir. And this is your last term. And it is denoted by n by 2 will into a plus l. Where a already you know first term, l is the last term. Yes. Okay. And L is the last term, matlab Tn, aapka nth term. That is the a plus n minus 1. Okay. Ye Sn kaise mila? Yeah, sir. Sn कैसे मिला इसका ये फॉर्मूला कैसे मिला सर मैं एग्जांपल देकर समझा नहीं यहां से समझा सर जैसे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एक जितना होगा उतना ही सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म होगा तो वैसे ही हाफ सबका करते जाएंगे तो इसलिए n by 2 मतलब टोटल टर्म्स by 2 सर नया चैप्टर है a plus a of सर हाँ नया चैप्टर है ना सीक्वेंसेस हाँ अभी पता चला नहीं सर नेट लेट हुआ ज्वाइन करने नेट का प्रॉब्लम चल रहा था इसमें तो और नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो फिर कैसे हाफ होगा और नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो कैसे हाफ होगा सर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो भी हाफ में 0.5 कंसीडर करेगा ना उसमें हम लोग पूरा 1 कंसीडर करेंगे ठीक है ये लिख लो पहले मैं बताता हूं ऐसे वो जो बताया कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम सेम होगा मतलब सेकंड एंड सेकंड लास्ट दैट इज राइट बट ऐसा हाफ का कांसेप्ट जो डाल रहे हो उसके लिए फिर आपको दो केसेस बनाना पड़ेगा इवन केस ऑड केस ऐसा नहीं किया जाता इसमें ओके देख लिए
डन यस सर अच्छा SN क्या होता है sum of n terms t1 plus t2 plus t3 and so on up to here यही होता है ना और that you can write summation of tn n is equal to 1 to n और you can write ऐसे लिख सकते हो मतलब summation of tk k equal to 1 से लेके n तक okay Yes, sir. Or you can write summation of Tn. वो understood हो जाता है कि n equal to 1 to n. उसे ये Tk किसके लिए था सर? K 1 और n और अच्छा K बाद में n होता है. K के जगह 1 डालो T 1 होगा plus summation मतलब plus होता है ना? हाँ सर. K के जगह 2 डालोगे T 2 आएगा फिर T 3 होगा up to Tn तक जाएगा. ये lower limit या upper limit? Okay. ठीक है? हाँ सर. इसका previous term क्या होगा? n माइनस टू माइनस टू माइनस टू अब मैं सीरीज निकाल रहा हूँ तो प्लस कर रहा हूँ हाँ सर ये टू कर देता हूँ ये टर्म इसका a प्लस n माइनस वन इन टू टर्म ठीक है हाँ सर दिस इज योर sn सेम sn को रिवर्स में लिखो रिवर्स में लिखोगे मतलब ये इधर ये लिखो a प्लस d तो इसके नीचे क्या रहेगा सर a प्लस a प्लस d ऐसे चलेगा ठीक है तो इसके नीचे रहेगा लास्ट टर्म a प्लस n माइनस वन इनटू d इसके नीचे होगा a प्लस n माइनस टू इनटू d हमारे बराबर yes, अब क्या करो दोनों को ऐड कर तो Sn plus Sn कितना मिला 2Sn ये दोनों का सम चेक करो कितना आ रहा है 2a plus n minus 1 2a plus n minus 1 into d ये दोनों का सम कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी माइनस टू डी प्लस डी तो कितना हो गया माइनस डी हो गया तो एन डी माइनस डी तो एन माइनस वन इंटू डी नेक्स्ट नेक्स्ट का सम भी ये रहेगा देखो ये दोनों का सम भी चेक करो ये दोनों का सम भी चेक करो कितना आ रहा है 2a plus n minus 1 d ये भी 2a plus n minus 1 d ऐसे कितने टाइम्स आपको मिला n टाइम्स एसएन क्या हो गया मुझे एसएन चाहिए था ना तो एसएन इक्वल टू हाफ ऑफ दिस 2a plus n minus 1 समझ में आया तो इसमें odd even का कोई concept नहीं होगा तो whether it is odd numbers or even numbers कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर वो लास्ट का आपने बोला था सर वो समझाओ ना हाँ सर ये नीचे का क्या हुआ अपना भी जो अब क्या वो समझ नहीं आया था क्या समझ ए प्लस है हाँ वो सर ने क्या किया टू ए है ना टू ए तो उसमें से ए प्लस ए लिख दिया तो ए प्लस एन माइनस वन डी तो तेरा लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जो बोल रहे हो हाँ वो वाला हाँ सर एक टू ए मैंने कर दिया ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी
प्लस एन माइनस वन इंटू टी और ये आपका कितना दिस इज द फॉर्मूला टी एन लास्ट टर्म तो इसको लिखा गया एन बाय टू होल इंटू ए प्लस एल पर ए इज द फर्स्ट टर्म एल इज द लास्ट टर्म थैंक यू सर थैंक यू ब्रेड ये एक फॉर्मूला ये एक फॉर्मूला समझाइए रेव करो सर एक मिनट सर एक हाँ सर ओके सम प्रॉपर्टीज अच्छा अब टीएन को क्या लिख सकते हो नहीं इन फॉर्म ऑफ एसएन एसएन फॉर्मेट में क्या लिखो टीएन इज व्हाट एसएन माइनस वही होगा ना लास्ट टर्म सम ऑफ एन टर्म्स एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म लास्ट टर्म ही बचेगा बराबर लेट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए एन आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस Okay. Let A1, A2, A3 up to AN are in AP with common difference D. हाँ सर. दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ सर. Then मैं कुछ fix value add करूँगा. मतलब A1 plus K, A2 plus K. Each and every term में एक fixed value add करूँगा। हाँ सर। तो वो new sequence क्या होगा? If you add a fixed value to each and every term, a1 plus k, a2 plus k, a3 plus k, ये sequence आपका क्या होगा? arithmetic progression with k as common difference k common difference k plus k common difference hoga plus k difference hoga sir with common difference constant yes ap mein rahega there in also ap common difference kya hoga d plus k d sir khali d or d plus k or d k nahi khali d d D plus D. D. क्योंकि ये दोनों में दोनों का जब K के कट हो जाएगा ना सर हर एक बार हाँ सर A1 into K A2 into K A3 into K वो क्या देगा सर D into K नहीं AP होगा कि नहीं होगा पहले वो हाँ सर AP तो नहीं नहीं सर AP नहीं होगा AP नहीं होगा सर AP नहीं होगा अच्छा हाँ सर
होगा सर, होगा 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 सर। ये दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ रहा है, k into d, k into k2 minus k2 minus a1 into d। ये दोनों का डिफरेंस चेक करो a3 minus a2 into d। नेक्स्ट होगा a4 minus a3 into d, है ना? नहीं सर, के ना सर, बाहर के है सर, बाहर ही तो के के के। हाँ सर, तो अंतर d a2 minus a1 d d d into k a3 minus a2 d, ये भी d। तो दो कोई भी दो टर्म का मैं डिफरेंस ले रहा हूँ तो क्या दे रहा है, फिक्स वैल्यू तो दे रहा है। हाँ तो सर ap हो, तो कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो न्यू सीक्वेंस क्या होगा, दे आल्सो आर इन ap एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, kd ठीक है, k into d बराबर। हाँ सर, प्लस मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों सेटिस्फाई करता है, वेदर आप कुछ फिक्स वैल्यू को ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट करो, न्यू सीक्वेंस आल्सो ap सीक्वेंस, कुछ मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो तो भी आपका सीक्वेंस आपका ap होगा। बट यहां पे एक कंडीशन आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं होना चाहिए। If you take k 0 तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है? तो k 0 नहीं होना चाहिए, और मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो डिवाइड केस भी रख रहा हूँ, तो डिवाइड केस 0 हम कर नहीं पाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स व्हाई k इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों सेटिस्फाई करता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये भी दोनों सेटिस्फाई करता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? कुछ पावर करेंगे तो नहीं हो, नहीं तो फिर तो सर नहीं हो, दोनों में पावर हो। a1 to the power k, a2 to the power k, a3 to the power k, are in ap or not? हाँ सर, ap में, हाँ सर, ap पे है सर, है सर, ap, ap, हाँ सर, ap है सर, वो खाली k times d हो जाएगा, ऐसे? सर क्योंकि सर देखो अभी सर a1 चार बार हो रहा है और a2 भी चार बार हो रहा है ना सर, मतलब कोई एक टू बार हो रहा है, मतलब a1 into a1 a की वैल्यू टू ली उसने सर। हाँ सर, तो सर उससे हो रहा है ना सर, आपके हिसाब से 1 3 5 7 आर इन ap, ये सब नो ap नहीं है, नहीं है, तो सब का स्क्वायर करते हैं, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर आर इन ap। अरे तो सीरीज हो गया, नो सर, नॉट एन एपी, नहीं सीरीज सर, वो कंडीशन जब के का वैल्यू बन रहा था नहीं सर, कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो ये इट्स नॉट ऑन एपी, ये एपी में नहीं होता है, ठीक है? ये समझ में आया प्रॉपर्टीज? तो फर्स्ट वाले का वापस बताओ ना, क्या फर्स्ट वाले को वापस बताना, मतलब ए वन प्लस के वाले, ये तो ये नहीं, हाँ क्या प्रॉब्लम हो, नहीं सुन रहा, क्या नहीं समझा, मतलब मैं ईच एंड एवरी कोई भी एपी सीक्वेंस में ईच एंड एवरी टर्म में कुछ फिक्स वैल्यू ऐड किया मैंने, तो ए वन ए टू ए थ्री अप टू एन आर इन एपी था, कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है, तो मैंने क्या क्या a1 plus k, a2 plus k, a3 plus k, a4 plus k and so on, वो new sequence आपका ap होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, how to know sequence are in ap or not, उसका first term और common difference, मतलब same common difference, दो दो term का मतलब conjugated term का difference आपका same आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दोनों को चेक किया, ये दोनों का difference कितना दे रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है, नेक्स्ट टू का डिफरेंस कितना दे रहा है, ये दोनों का डिफरेंस क्या दे रहा है, a2 minus a1 कितना होता है, तो d, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया, तो d, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, ओके तो सीक्वेंस ap होगा। Okay.
जब ये समझ में नहीं आया तो फिर ये कैसे समझ में आया? तो इसलिए तो मैंने बोला नहीं समझ में आया, उसका सेकंड वाले का भी मैंने बोला था एपी नहीं होगा। अब सेकंड वाला समझा? हाँ सर सेकंड वाला समझ गया। ये प्रॉपर्टी समझ में आया? यस सर। लिख लिए? यस सर। दो मिनट हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट इफ एबीसी आर इन एपी, इफ एबीसी आर इन एपी then B is called mean between A and C. B is called mean hoga, mean value hoga. Okay, yes, and that mean is called, this mean is called arithmetic mean. If A, B, C are in AP, then B is called AM. AM matlab arithmetic mean. ठीक है, B is called arithmetic mean in between A and C, and B का वैल्यू कितना होता है? A plus B C का वैल्यू A plus B, A plus C by 2. A plus C by 2. Okay, that is mean of A and C. बराबर? If A, B, C, D are in AP, then B and C are called two arithmetic means in between A and D. Okay, मतलब वो दोनों. Then B and C are called two arithmetic means in between A and D. A and D के फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी जितने बचेंगे वो सब हो गए उनका मीन। B and C are called two arithmetic means in between A and D. And their sum. Sum मतलब B plus C कितना होगा? It is A plus D by 2. No. B plus C कितना होगा? 2a plus d a plus d होगा सर खाली a plus d a plus d that you can write 2 into a plus d by 2 हाँ सर ओके सर ये तो बोल में आप हाँ मैंने एक फॉर्मेट में इसको रख रहा हूँ मतलब मीन बिटवीन a and d a d का मीन कितना होता है a and d का मीन सर a plus d by 2 हो जाता है a plus d by 2 ये फर्स्ट एंड लास्ट का मीन जितने आपके अरिथमेटिक मीन्स है ना उतना मल्टीप्लाई होगा टू टाइम्स ऑफ ये दो मीन्स है ना तो टू टाइम्स ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इसमें क्या था वन टाइम ऑफ ए प्लस सी बाई टू मतलब एक मीन था इसलिए वन इंटू ए प्लस सी बाई टू पहले चेक करो ये राइट है कि जाओगे सर तो अगर राइट है बीच में पांच नंबर होंगे तो पांच मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल तो ये पहले चेक करो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग व्हेन ए बी सी डी आर इन एपी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ लेटेस्ट एक कॉमन डिफरेंस एक्स लिखता हूँ क्योंकि डी ऑलरेडी है लेटेस्ट एक कॉमन डिफरेंस एक्स लिखता हूँ तो बी को क्या लिखेंगे सर बी को लिखेंगे ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स
सी को क्या लिखेंगे ए प्लस टू एक्स टू एक्स बी को क्या लिखेंगे ए प्लस थ्री ए प्लस थ्री एक्स अब ए प्लस डी कितना हुआ ए प्लस फोर टू ए प्लस थ्री टू ए प्लस टू ए प्लस थ्री एक्स ए प्लस डी ये तो ये ना तो ए प्लस डी कितना हुआ टू ए प्लस थ्री एक्स बी प्लस सी कितना हुआ टू ए प्लस थ्री एक्स तो सेम मिला ना बी प्लस इक्वल ए प्लस डी हाँ सर इसको मैंने लिख दिया टू इंटू ए प्लस डी बाई टू एक पैटर्न फॉलो करने के लिए ठीक है लाइक दैट इफ ए बी सी डी ई आर इन एपी देन दिस थ्री आर कॉल्ड थ्री अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन ए एंड ई and their sum हाँ सर उसका sum हो जाएगा three a plus e by two कितना होगा three a plus e by two समझाइए हाँ सर आप खुद verify कर सकते हो सकीम हो रहा है ठीक है और के odd number of terms रहेगा तो इसका mean जो a plus e by two ना c आपको देगा अच्छा हाँ यस यस सर ए प्लस ई बाई टू आपको सी दे देगा मिडिल वन ओके डायरेक्ट ना मतलब सर हाँ तो इसको मैं जनरलाइज करूंगा तो क्या लिखूंगा इफ यू जनरलाइज दिस थिंग तो आप क्या लिखोगे एन ए प्लस एन बाई टू ए ए वन ए टू अप टू ए एन बी ए कैपिटल ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन बी आर इन एपी एपी फिर सर ए वन टू ए एन आर द अरिथमेटिक मीन दीज आर कॉल्ड एन अरिथमेटिक मीन्स यस सर एन इन बिटवीन ए एंड बी आर देयर सम सम मतलब ए वन प्लस ए टू अप टू प्लस ए एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ A plus B by 2. A plus B by 2. जितने भी हैं, इसमें n means थे, तो their sum होगा n times A plus B by 2. Yes, sir. ठीक है? सर मतलब ये arithmetic means के sum का formula है. बट इसमें एक ये है कि ये एपी में होना चाहिए ये टोटल एपी में होना चाहिए अदरवाइज नहीं होगा अदरवाइज आप इसको मीन नहीं बोल पाओगे हाँ सर ठीक है मैं उसका और एक बताता हूँ बट ये सीक्वेंस पूरा आपका एपी में होना चाहिए आपका सीक्वेंस एपी में है तो फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी जितने बचे ना उसको सब बोलते हैं मींस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट अरिथमेटिक मींस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट हाँ सर लिख लिया सर एक सेकंड सर रुको ना सर लास्ट पॉइंट मत रख करो सर ठीक है मैं ये तो बताता हूँ
सर अगर जो ये जो एन टर्म्स है वो इवन है तो सर उन लोग के जो बीच में के टर्म्स रख गए वो डायरेक्ट ए प्लस बी बाई टू के इक्वल होगा ना. मिड टर्म जो मिड टर्म रह गए सर दो मिड टर्म्स इवन के अंदर तो उसका डायरेक्ट वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होगा. दो मिड टर्म हाँ सर हाँ बिल्कुल होगा बट इवन नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए. दो मिड टर्म कब बोलोगे जब आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो एक ही मिड टर्म होता है. और सर वो उसको a plus b by 2 बट आपको ऐसे दिया गया सपोज a1 a2 a3 and so on belongs to an belongs to real number ठीक है but not necessary are in ap तो उसका an क्या होगा then there arithmetic mean क्या होता है sum of all terms by number of terms. Here sum of terms मतलब number of terms sorry sum of terms मतलब a1 plus a2 plus a3 and so on up to an upon number of terms n sir तो sn upon n ठीक है sn नहीं होता है but not necessary इसको sn नहीं बोलते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस में जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में होना चाहिए. हैप्पाजर्डली मैं कोई भी टर्म्स रखूंगा सपोज 1 4 10 15 हां सर 3 हां सर तो इसका एम क्या होगा ये 5 का सम 28 30 33 अपॉन बराबर यस सर. तो ये जरूर नहीं कि ये सीक्वेंस में आपका रहेगा एक पैटर्न फॉलो करेगा अरिथमेटिक में रहेगा बट व्हेनेवर दिस टर्म्स आर इन एपी तो फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी सबको मीन बोला जाता है अरिथमेटिक मीन्स बोला जाता है इन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट बट ये ऐसा कुछ पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. हां सर ठीक है next property if three terms are in AP आपको three terms are in AP select करना है तो it is not compulsory compulsory नहीं है then go for terms are A minus D A A plus B. हाँ हाँ सर हाँ सर तो यही आपका इजी रहेगा आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा इफ यू कंसीडर ए ए प्लस डी ए प्लस टू टी कोई दिक्कत नहीं नथिंग डिफरेंस यू विल नॉट गेट एनी डिफरेंस इन योर आंसर बट इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी रहेगा ओके हां सर. फोर टर्म्स रहेगा तो a minus 2d a minus b a plus a minus 2d a minus d a plus d a plus 2d a minus d minus 2d a minus 2d minus d a minus d a minus 2d a minus b a minus d a plus d sir a plus d sir a plus d or a plus 2d नहीं तो सर कॉमन डिफरेंस है फोर टर्म्स. हाँ सर पर a plus d और a plus 2d हमें सिर्फ a minus d का फाइव टर्म्स हो जाएगा हमें a minus d हटा के बोल रहे हैं लोग a हटा दो a plus d और a plus 2d होता है सर a minus 2d a minus d a plus d a plus काम लाओ एवरीवन काम हम क्या बोल रहे हैं क्या क्या बोल रहे हो a minus 3d a minus d a plus d और a plus 3d यस ऐसे दिया जाता है सो दैट इनका जो सम होगा ना वो सिर्फ ए में आएगा. कैलकुलेशन करने के लिए इजी होता है टू डी मतलब ये रखना इफ फोर टर्म्स रहेगा देन टेक योर टर्म्स आर ए माइनस थ्री डी
a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका 2d होगा. ओके ठीक है. फाइव टर्म्स रहेगा तो हाँ सर, फाइव टर्म्स रहेगा तो 2d लेंगे सर. a माइनस 2d a माइनस d a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d. सर बस बीच में ये डालेंगे ना. हाँ नहीं, 3d के बदले 2d क्या ना. a प्लस d a प्लस 2d. हाँ सर ठीक है. ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रह रहे हैं तो आप a से आगे पीछे कर सकते हो. a को मिडिल टर्म मान सकते हो. आगे पीछे प्लस d माइनस d करो. इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो 2d रखते हैं हम कॉमन डिफरेंस. तो आपको a नहीं रहेगा, a जरूरत नहीं. आपको क्या है, सीक्वेंस क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए. दैट यू हैव टू कंसीडर. आपको ये जरूरी है नहीं है, मतलब ये इसके लिए आपका फर्स्ट टर्म ये होगा, ये आपका लास्ट टर्म होगा. फर्स्ट टर्म को जबरदस्ती ये रखो क्या, ऐसा कुछ नहीं. ये दिस आर नॉट कंपल्सरी, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग. आपको चाहिए तो आप फोर टर्म्स को भी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ले सकते हो. बट इफ यू कंसिडर इजी फोर टर्म्स तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि ये चारों का सम है. क्या होगा, सीधा सीधा आपका डी कैंसल होगा और डायरेक्ट ए फोर ए आ जाएगा. ए का वैल्यू मिल जाता है. इसमें भी चार ए पांचों का सम में सीधा सीधा ए मिलता है. इसमें भी वही होता है ठीक है. इसीलिए इसको फॉलो किया जाता है. अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल ठीक है. समझाइए. हाँ सर. सिक्स टर्म्स होगा आगे पीछे, एक आगे टर्म बढ़ जाएगा एक पीछे टर्म होगा. ए प्लस फाइव डी होगा इस साइड में, ए माइनस फाइव डी होगा. सेवन टर्म्स होगा इसमें, ए प्लस थ्री डी होगा आगे, ए माइनस थ्री डी होगा. राइट ना, उधर सुन दे. तो ये था आपका एपी का कंसेप्ट. अगर हम जा रहे वाजे तो तू सुते लो तो Okay, sir. सर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हो सर, थोड़ा ब्लर है. इफ टी फोर अपॉन एपी इज थ्री टाइम्स द फर्स्ट टर्म ऑफ इज थ्री टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड टी सेवन एक्सीड्स ट्वाइस द टी थ्री बाय वन देन फाइंड योर कॉमन डिफरेंस. दिखाई नहीं दे रहा है.
is equal to 2d minus what? थ्री करू इसको फोर करू सर पहले वाले का डिफरेंस माइनस टू वन है ना वन और वन है सर फर्स्ट का पांच ए इक्वल टू डी माइनस क्या है मुझे तो माइनस वन मिल रहा है प्लस वन था a plus 5d is equal to x a plus 6d is अरे मन में कैलकुलेशन करना सॉरी ब्रो सर सेकंड का 8 बाय 9 सेकंड का 8 बाय 9 8 बाय 9 सर 8 बाय 9 फर्स्ट का और सर फर्स्ट का 2 है 2 1 1 1 ओके सर स्टार्टिंग क्या लिखा फर्स्ट के शब्द समझ नहीं आ रहा इफ टी 4 अपॉन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म and T7 exceeds twice the T3 by 1, then common difference is what? Sir, second ka answer 10 by 11 aa raha. So 8 by 9 aa raha. Sir, 8 by 9 here. सर थर्ड में एन का वैल्यू 10 है थर्ड का 10 है क्या
सर थर्ड का टेंथ आ रहा है सर एक बार सर वो 10x11 को काट दो सर आप पूरा साइड सर पे क्या बोल रहे हो सर इज दिस चैप्टर रिक्वायर्ड फॉर मींस फॉर बेसिक मैथ्स फॉर नीट 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 में क्यों चाहिए सर वो बेसिक मैथ्स मतलब चाहिए होता है ना तो आप जे के लिए ये नहीं कर रहे हो है ना नहीं तो फिर ये बैच में क्यों आप ये कर रहे हो सर मतलब मैथमेटिक्स टूल्स भी नीट के लिए मतलब चाहिए होता है फिजिक्स मतलब फिजिक्स में हेल्पफुल नहीं ये फिजिक्स में आपका इतना कुछ नहीं होगा सर वो सर वो सर आप नीट तो फिर ये आपका जो मैथ्स होगा ना बोर्ड के लिए जितना होगा वो आपके लिए काफी होगा ये सब में आप क्यों मतलब टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है ठीक है क्योंकि हम ऐसा कोई बेसिक चीज ऐसा दिमाग में रख के काम नहीं करते ना तो मतलब कुछ भी लेवल उठ सकता है मतलब कुछ भी ये हो सकता है आपने मतलब मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर बेटर इसमें आप ये मत कीजिए ज्यादा फोकस आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर कीजिए तो मैथ फिजिक्स में जो ये लगता है वो कैलकुलस पार्ट लगता है वो भी यूज होता है सर एनी को शूट है ना आ रहा है थर्ड थर्ड का टेन ही अच्छा 10x11 काट दो हाँ सर 10x11 काट दो हाँ सर
सर फोर्थ का आंसर बहुत बड़ा आ रहा है सर 61,712 आ रहा है सर मुझे 112 आ रहा है फोर्थ का 112 तो सर मुझे 9090 आ रहा है वो तो क्वेश्चन पढ़ा था सर मुझे 99090 आप क्वेश्चन लिख लो मैं इसमें शिफ्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन तो पढ़ो सर क्वेश्चन फाइंड सम ऑफ ऑल थ्री डिजिट नंबर्स व्हिच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 8 ऑल थ्री डिजिट नंबर को नंबर का सम आपको चाहिए 99090 सर 61712 61712 हाँ सर 61712 राइटिंग एक सेव करो कीबोर्ड में करो सर नहीं सर वो लाइट बंद कर दो काम करो वो सर उसके वजह से बहुत ज्यादा सबको भी लाइट है अभी दिख रहा है सर 61712 हाँ सर सर वही आ रहा है मुझे भी हाँ सर ये रफ करो 99090 सनिया यस सर अच्छा आप लोग नहीं बताए आपका लास्ट एग्जाम में कितने मार्क्स आए बताओ सर कौन से ट्रिगो वाले हाँ सर 44 सर अच्छे नहीं आए थे छोड़ दो डालो चैट में डालो सर 48 चैट में डालो किसको कितना आया 20 क्वेश्चन जो थे सर, वो वाले ना क्वेश्चंस भी सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे नहीं तो हो भी जाते सर हाँ सर वो बायो वाला पार्ट भी देना था मुझे मेरे 8 छूट गए थे आधे तो सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग खराब गया सर बहुत सर बहुत गंदा आया sixty-eight, fifty, forty-four, fifty, fifty-eight, sixty-eight, forty, twenty-nine, fifty, forty-nine, twenty-four, forty-eight, sixty-five. Not at all satisfactory. Lengthy कहाँ था? कल तो हम discuss किए थे. और आहिस्ता आहिस्ता level बढ़ता जाएगा. सर लास्ट का आंसर माइनस 10 है क्या फाइंड द कॉमन डिफरेंस माइनस 10 ओके ऑल डन
2 minutes. Yes, sir. करो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है सर? ऑल 3 डिजिट. तो फर्स्ट 3 डिजिट कौन सा है सर? फर्स्ट 300. सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 8. क्या बोल रहे हो सर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 56202 है. माइनस 10 है. माइनस 10 है. हाँ सर. सॉरी 4. हाँ सर. नहीं नहीं सर, फोर्थ का आंसर 56202. सर फर्स्ट ऑन 1 कितने को मिला मुझे? 2 कितने को मिला? हाँ सर 2 मिला. 2 मिला सर. टू इज द राइट आंसर. सेकंड 8x9 सबको मिला? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. 8x9 मिला. थर्ड 10 मिला? हाँ सर. 10 मिला. 10 मिला. फोर्थ में चेक करना है. नहीं सर. 617 माइनस 10 फिफ्थ. माइनस 10. हाँ सर. सर 10.9 भी आ रहा है. कौन सा? माइनस 10.9 सर. फिफ्थ वाले का ही 10.9. हाँ सर. हो नहीं सकता बट. ओके माइनस 10 मुझे लग रहा है राइट आंसर. चलो कौन सा क्वेश्चन चाहिए? 4. ये फर्स्ट में क्या दिक्कत हुआ? T4 इज द 3 टाइम्स ऑफ T1. फोर्थ टर्म को क्या लिखोगे? A plus 3D इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, मतलब 3 है. हाँ सर. तो आपका D 2A is equal to 3D. 2A by 3D or 2A equal to 3D. Seventh term T7 A plus 6D. A plus 6D exceed twice the T3. A plus 2D plus 1. ये दिया गया ना? हाँ सर. T7 equal to 2 times of T3 plus 1. हाँ सर. Okay. That implies what you are getting? 4D 2D equal to A plus 1. All right? Yes. तो आपको क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस है तो A को एलिमिनेट कर दो सर. A की वैल्यू पुट करते हैं तो ये लिख सकते हो 2D minus 1 equal to A, है ना? अब इसमें डाल दो.
that a plus 3d equal to इसका डबल 2a, 2a मतलब 4d minus 2, 2 d equal to 2. हाँ कार्बन सबको मिला. हाँ सर 4161711 गलत आ गया सर आंसर. Sum of all three digit numbers which leaves remainder 3 when divided by 8. First three digit number कौन सा आएगा? 107 is the first three digit number when divided by 8, remainder is the 3. Right. Divided. है ना? हाँ सर. हाँ सर. Next होगा 115. Next होगा 123. कल 8 से ऐड करते जाएंगे. हाँ सर. और बाद में सर लास्ट टर्म 995. This is the last term. Okay. तो इसका सम मुझे चाहिए. तो this is your TN. TN का फॉर्मूला क्या था? TN का फॉर्मूला a plus n minus 1. A plus n minus 1 into d. D is the comma 8. हाँ सर. Okay. N 112 आ गया. 995 with the 107 plus N minus 1 into 8. N कितना आएगा? 113. ठीक है. ये आ जाएगा 8. अरे हाँ प्लस 1/8 हाँ सर. तो ये आपका रहा 56 इनटू 1102 जीरो मल्टीप्लाई करते हैं 6712 फाइव करेंगे तो कितना 5510 हम राइट 217 तो 6712 इज द राइट आंसर. हाँ हाँ सर. सर फिफ्थ में 10.9 काट दो सर. सर वो नहीं आ ही नहीं सकता. नहीं आ सकता. क्यों नहीं आएगा? कॉमन डिफरेंस है ना. कॉमन डिफरेंस आ सकता है. कोई दिक्कत नहीं सर. वो मेरा कैलकुलेशन एरर हो गया था. वो कैलकुलेशन लेकिन आ सकता है. फोर्थ वन समझा? हाँ सर. फिफ्थ फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज 100 मतलब a इक्वल टू 100 दिया गया एंड सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स मतलब s6 इज 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स टर्म्स कैन आई राइट s12 माइनस s6 यस सर. हां सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स टर्म्स मतलब s7 से लेके s12 का सम नहीं सॉरी t7 से लेके t हां 12 का सम l हां तो t7 प्लस t8 अप टू प्लस t12 हां सर. क्या किया t1 से लेके t12 तक लिखा माइनस कर दिया t1 से लेके t6 बराबर. तो इसलिए yes, मैंने रखा s12 माइनस s6 बराबर. हाँ सर. कॉमन सर. बट सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स टर्म्स का मतलब जो लिखा है 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स टर्म्स
तो सिक्स टर्म्स तो अलग होंगे ना आगे के जो छह सम सीक्वेंस थोड़ी चेंज होगा, सीक्वेंस तो रिमेन फिक्स। जो सीक्वेंस का फर्स्ट सिक्स टर्म्स का सम इज इक्वल टू फाइव टाइम्स द सम ऑफ नेक्स्ट सिक्स टर्म्स, एक ही सीक्वेंस का। तो बट उनकी वैल्यू तो बड़ी होगी ना जो नेक्स्ट सिक्स टर्म्स की बड़ी हो ऐसा। हाँ तो वही तो, अरे वो तो फाइव टाइम्स ही है। एपी दो टाइप का एपी होता है, एक इंक्रीजिंग एपी होता है, एक डिक्रीजिंग एपी होता है। ओके इसलिए आपका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आया, सो दैट आपका डिक्रीजिंग एपी में जा रहा है। एपी थोड़ी इंक्रीजिंग का फैक्टर रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट आइदर ये इंक्रीजिंग होता है नहीं तो डिक्रीजिंग होता है, ऐसा जिगजैग नहीं होता है। बढ़ जाएगा फिर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम नहीं हो जाएगा, ऐसा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सिक्स टाइम्स ऑफ एस सिक्स इक्वल टू फाइव टाइम्स ऑफ एस ट्वेल्व बराबर नहीं? हाँ सर। S6 का सम कितना हो? मतलब ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है? N by 2 6 by 2 200 plus 5D 2A 200 plus 5D plus 5D equal to 5 times S12 12 by 2 only into 2A plus n minus 1 d right, so 2 2 cancel 12 36 cancel 3 multiply karo 600 plus 15d equal to 1000 plus 55d so 40d equal to minus 400 ha sir minus 10 hi aa raha minus 400 then d equal to minus 4. Sir. Yes, sir. Done? Yes, sir. Ah. Plus D लिखने से बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं, D negative होगा तो कम होगा ना। वही आपके दिमाग में वो चीज नहीं हट रहा है, प्लस डी मतलब बढ़ रहा है, मॉडुलस मतलब आउटकम्स ऑलवेज प्लस साइन में दिखता है। अरे एक मिनट then तेरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप टेंथ में कर चुके हो, तो वो आपका स्कूल में। इन एन एपी एपी टाइम्स द टीपी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ टीक्यू then tp plus q is equal to what? Zero. Then ap if sp is equal to q and sq is equal to p then sp plus q equal to what?
रेशियो ऑफ सेकंड टू सेवन एंड अरिथमेटिक मीन्स थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझो वर्डिंग थोड़ा ठीक नहीं इफ एन एपी इफ द रेशियो ऑफ सेकंड टू सेवन एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन मतलब ये सेकंड अरिथमेटिक मीन ये सेवेंथ अरिथमेटिक मीन एंड देयर आर एन अरिथमेटिक मीन इन बिटवीन दिस टू ठीक है इच वन इज टू सेवन देन एन का वैल्यू
हो रहा है फर्स्ट हो गया सर सर सेकंड भी हो गया Thank you.
सर वो आप वापस बता सकते हो सेवेंथ के बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? सेवेंथ इन एन एपी इफ द रेशियो ऑफ सेकंड एंड सेवेंथ सेकंड टू सेवेंथ अरिथमेटिक मींस ओके बट इन बिटवीन माइनस सेवन एंड 16 65 देयर आर एन अरिथमेटिक मींस एक्चुअली क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके लिख सकते हो. तो सर वो लोग ने एक्चुअल में हमें सेकंड और सेवेंथ टर्म इज टू जो माइनस सेवन टू 65 के बीच में जो टर्म्स है उसका रेशियो दिया है ना. हां इसके अंदर एन एन अरिथमेटिक मींस और उसके अंदर कोई एक मींस है उसका सेकंड एंड सेवेंथ का मीन का रेशियो निकालना है. अच्छा वैसा ओके सर तो 1:7 किसका रेशियो है? 1:7 किसका रेशियो है सर? उसका आंसर 11 है क्या? इन बिटवीन माइनस 7 एंड 65 देयर आर एन अरिथमेटिक मींस ठीक है. इफ रेशियो बिटवीन सेकेंड and seventh mean is not r 1:7 then n ka value f barabar in between minus 7 and 65 there are n arithmetic means if ratio between second and seventh mean arithmetic mean huh? If ratio between second and seventh arithmetic mean are 1:7, then n equal to what? अब क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर.
सर फोर्थ का आंसर 162 2119 फोर बाई थ्री है सर फोर्थ का आंसर सर फोर्थ का आंसर 4/3 है सर फर्स्ट वाले का 0 सर सेकेंड वाले का -b -q सर थर्ड वाले का 11 है क्या सर 2 मिनट थर्ड वाले का आ रहा है शायद वो लाइट बहुत आ रही है थर्ड का 66 then
सर क्वेश्चन नंबर 3 में n की वैल्यू 37 है क्या सर? 37 हां सर। हो गया फर्स्ट वन कितने को मिला? हाँ सर। हाँ सर। मिला सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ मतलब स्कूल में नहीं मिला। नहीं मिला क्या दिया गया? TP इक्वल टू नहीं P टाइम्स ऑफ TP इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ TP P times of TP equal to Q times of TQ. So, TP का formula? A plus P minus 1 into D. P into A plus P minus 1 into D equal to Q into A plus Q minus 1 D. A plus Q minus 1 into D. अब minus कर देंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो होगा। ये ए पी ये ए क्यू कॉमन ए देन पी माइनस क्यू देन पी इंटू पी माइनस वन डी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस वन इंटू टी प्लस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आप डी कॉमन रखोगे तो पी माइनस क्यू p square minus p minus q square plus q. ठीक है? हाँ। Become zero. तो a into p minus q plus d. p square minus q square. p plus q or p minus q. p plus q into p minus q. और ये माइनस माइनस पी माइनस क्यू तो टोटल कॉमन इफेक्ट है पी माइनस क्यू देन यू हैव पी प्लस क्यू माइनस वन अब राइट सर पी माइनस क्यू कॉमन तो टोटल अगेन यू कैन टेक पी माइनस क्यू कॉमन देन ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इनटू डी इक्वल टू जीरो हो गया सर। Now product of two factors equal to zero. So क्या होगा? इधर first factor zero होगा, नहीं तो second factor zero होगा. But first factor not zero. क्यों? P is not equal to Q. Kth term, kth term. वो number of terms. Kth term, kth term मतलब two different term. So definite P is not equal to Q. So P minus Q is not equal to zero. So ये zero होगा. ये किसका value? सर टी पी प्लस क्यू का पी प्लस क्यू दिस इज द टी पी प्लस क्यू सर मैंने थोड़े दूसरे मेथड से किया था या अब फिर लाइक सेम ही फर्स्ट स्टेप सेम ही है पर मैंने क्यू को वो साइड नहीं लिया तो मैंने सिंपलीफाई सिंपलीफाई करके ए माइनस डी इक्वल्स टू माइनस क्यू प्लस पी इनटू डी लाया और उसको डायरेक्टली टी पी प्लस क्यू के फॉर्मूला में डाल दिया। अब क्या लाए? ए प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस पी इनटू डी। हाँ उसको डायरेक्टली पी प्लस क्यू के फॉर्मूला में डाल दिया। अच्छा मतलब इधर से आपको बड़ा जाए a minus d equal to minus of p plus q into d a ही मिल रहा है ना इसको आप ले रखोगे तो यही मिलता है। अरे हाँ उतना तो मैंने सोचा नहीं। ठीक है छोड़ो। ठीक है डन रब करो फर्स्ट वन। यस सर। सेकेंड वन मिला माइनस ऑफ पी प्लस क्यू नाइस दिस इज राइट आंसर। आपका क्वेश्चन था एसपी इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू पी एस ऑफ पी प्लस क्यू टू
What is SP? P by 2 by 2 into 2A plus P minus 1D. P minus 1D. Equal to Q. What is SQ? Q by 2, Q by 2, 2A plus P minus 1D equal to P. This is equal to P. Right. माइनस करोगे तो सर P by 2 वाले टर्म को RHS में लेकर जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सर P by 2 और Q by 2 वाले टर्म्स। अच्छा ठीक है चलेगा, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करो, P डिवाइड करो, चलेगा? हाँ सर। राइट, अब दोनों का माइनस ले, डिफरेंस ले लो, तो क्या होगा? DP माइनस 2A, 2A कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू कॉमन ले लो सर, तो फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है ना, क्यू बाई पी माइनस पी बाई क्यू, पी क्यू एलसीएम होगा, देन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाँ सर, वो समझा। तो दिस वन यू कैन राइट, माइनस कॉमन रखेंगे तो माइनस टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट यू कैन राइट पी प्लस क्यू इनटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू सर कट हो जाएगा एलएचएस। यस सर। राइट, अब पी माइनस क्यू कैंसिल होगा क्योंकि पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, अदरवाइज कैंसिल नहीं होना चाहिए ना, तो डी का वैल्यू आपको मिल गया क्या? माइनस टू पी प्लस क्यू बाय पी, पी प्लस क्यू बाय वन बाय क्यू प्लस माइनस। ये इतना नहीं हो रहा, रुको डायरेक्टली वो आ जाएगा, अब इसको छोड़ो। ये पी रखो आज इट इज ना, सिर्फ टू मल्टीप्लाई करना है तो करो, चलेगा बराबर। अब दोनों का डिफरेंस रखेंगे तो क्या होगा? ये 2AP, ये 2AQ करेगा, 2a कॉमन और p माइनस 2a इनटू p माइनस q, 2a इनटू p माइनस q प्लस, ये इट इज लाइक लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जैसे आया था ना, मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या मिला था, p माइनस 2 इनटू p प्लस q माइनस 1 इनटू d, am I right? हां सर, लास्ट टर्म ऐसे ही था ना, इक्वल टू 2 into q minus p or minus 2 into p minus q. बराबर? हाँ सर। ठीक है, इसमें आपको directly आपका answer मिल रहा है। तो अभी p minus q cancel हो जाएगा। हाँ सर। 2a plus p plus q minus 1 into t minus equal to minus 2 minus 2. एक काम करो, p plus 2 multiply करो both the sides, multiply p plus q both the sides, okay, divide 2 both the sides, तो आपको ये क्या दे दिया? हाँ सर आ गया, ये आपको क्या दे दिया? तो माइनस सम ऑफ पी प्लस एस पी प्लस क्यू,
इक्वल टू माइनस ऑफ पी प्लस बराबर हाँ सर यस सर रब करो नहीं सर थर्ड क्वेश्चन आपका क्या था सेकंड इन बिटवीन माइनस सेवन एंड 65 देयर आर एन अरिथमेटिक मींस लेट अस टेक ए वन ए टू अप टू ए एन इसका मतलब क्या होगा ये सीरीज क्या बन जाएगा एन टाइम्स ए ऑफ एम इस सीरीज एपी का सीरीज बन जाएगा हाँ सर एपी सीरीज एपी सीरीज होगा तो देन दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक मींस ठीक है ना ऑलरेडी आपको दिया गया कि इन बिटवीन माइनस सेवन एंड 65 देयर आर एन अरिथमेटिक मींस यस सर इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बन रहा है दैट सीक्वेंस बिकेम एपी एपी सीक्वेंस ठीक है तो इसमें हमें दिया गया है ए2 बाय ए7 और क्वेश्चन दिया गया कि a2 upon a7 equal to कितना 1 by 7 क्या कहा व्हाट इज a2 आपका सीक्वेंस का कौन सा टर्म थर्ड टर्म थर्ड सेकंड टर्म थर्ड टर्म हां सर सेकंड सीक्वेंस का थर्ड टर्म 1 2 3 a2 सेकंड मीन इज द थर्ड टर्म ऑफ योर सीक्वेंस यस सर हाँ सर वैसे ही किया तो दिस इज टी थ्री एक्चुअली एस सेवन क्या होगा कौन सा टर्म टी थ्री एट्थ टर्म होगा सो आप लोग उधर ही मिस्टेक किए टी थ्री का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस टू डी अपॉन ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 49 प्लस 14d प्लस मल्टीप्लाई किया इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7d इंप्लाई 70d इक्वल टू 42 डी इक्वल टू 6 डी मिल गया तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाउंड आउट करके बाद में माइनस 2 कर देंगे तो मिल जाएगा क्या पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n n वैल्यू पूछा था ये सीरीज का कौन सा टर्म लास्ट टर्म मतलब कौन सा पोजीशन क्या है n t of n dn अब काम करो ना ये तीन टर्म्स ये तो ऑलरेडी n टर्म्स ये एक टर्म n टर्म्स के n प्लस 1 है सर n प्लस 1 n प्लस 2 सर n प्लस 2 अगेन देयर यू डिड मिस्टेक सर n प्लस 2 कैसे सर n प्लस 2 फर्स्ट टर्म भी तो था हां सर या In between A, B, there are three mean. तो ये कौन सा सीक्वेंस का कौन सा टर्म ये? Fifth term. हाँ सर. Fifth term होगा ना? हाँ. तो इसमें दिया गया कि n means. तो ये कौन सा टर्म होगा? N plus two mean. N plus two terms. तो वैसे. N plus two. T n plus two given 65. n प्लस टू का फॉर्मूला a प्लस n माइनस n प्लस टू माइनस
n minus sir a plus n plus 1 d is equal to 65 n plus 1 into d d the 6 equal to 65 so n plus 1 equal to 12 then n equal to 11 तो सर 11 हाँ सर किसने बोला था सर इनका वैल्यू 11 पर सर कोई एक को तो आया था 11 बाकी तो और कुछ सर लगा है सर t of n plus 2 आपने नहीं किया ना सर हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं समझाइए सर पर जब अरिथमेटिक मीन इंसर्ट हो जाता है ना सीक्वेंस आपका एपी का सीक्वेंस बन जाता है सर लास्ट टर्म क्या हुआ लास्ट टर्म सर वो एन माइनस वन नहीं हाँ चल एन प्लस टू ही दिया है ओके नहीं सॉरी tn के लिए एन माइनस वन होता है नहीं सर समझा सर तो tn के लिए एन माइनस वन होगा क्या नहीं सर वो समझा मेरे को अपने पहले कंफ्यूज हो गया मेरे को लगा सर आपने t ऑफ n प्लस 2 लिखा है इसलिए सर बराबर हाँ सर समझा सर फोर्थ वन 4 by 3 कितने को मिला सर मुझे हां 4 by 3 कितने को मिला 148 by triple 1 सर इसको 37 से डिवाइड करेंगे सर दोनों को तो 4 by 3 4 by 3 होएगा ओके okay. 4 by 3 तो राइट आंसर Sum of n terms of two AP series. Okay, एक series ले रहा हूँ. A1 plus D1, A1 plus D2 D1 up to and so on. Second series ले रहा हूँ. A2 plus D2, A2 plus 2D2 and so on. बराबर दोनों में n टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपी सीरीज आर इन रेशियो 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 तो इसका एसएन क्या होगा 2a1 प्लस 2a1 n बाय 2 कट हो जाएगा 2 इनटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इनटू d n माइनस 1 इनटू d1 हाँ डी वन सर सेकंड ये फर्स्ट रख रहा हूँ एस एन टू मतलब सेकंड सीरीज का ये कितना होगा ओबी एन बाय टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इनटू डी टू इनका रेशियो गिवन 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस बराबर क्वेश्चन समझ में आया हाँ सर समझा सर तो फिर n बाय 2 कट आउट हो जाएगा कैंसिल हो गया मुझे कौन सा टर्म चाहिए 11th टर्म का रेशियो 11th का वैल्यू डाल दे टी 11 ऑफ फर्स्ट एंड टी 11 ऑफ सेकंड ओके इसका फर्स्ट रखते हैं मतलब क्या लिखते हैं कैसे लिखते सर टी 11 ही लिखते हैं फर्स्ट सीरीज टी 11 ऑफ सेकंड सीरीज ठीक है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है a1 plus 10 d1 upon a1 plus 10 d1 upon a1 plus 10 d2 ये आपको निकालना चाहिए बराबर हाँ सर अब क्या कर रहा हूँ ये जो मिल रहा है इसमें 2 डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 ओके सर तो ये कैंसिल होगा हाँ सर आप ये दोनों को कंपेयर करोगे एन के जगह क्या डालोगे सो दैट n माइनस 1 बाय 2 का वैल्यू टर्न सर एन का 21 आना चाहिए 21 आना चाहिए
तो n माइनस वन बाई टू आप टेन कर दोगे देन आपको ये मिल जाएगा. हाँ सर, 21 डाल दो. दैट मींस n इक्वल टू 21. और सर उसमें डाल देंगे n इक्वल टू 21 बोथ दिस साइड्स. हाँ, 148 बाय 111 n इक्वल टू 21 ऑन बोथ द साइड्स. क्योंकि ये जो n ये वही n दैट इंप्लाइज a1 अपॉन 10d1 डिवाइडेड बाय सॉरी a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2 वी कैन 21 डालेंगे तो 147 प्लस 1 148 अपॉन 88 प्लस 27 ट्रिपल 1 डिवाइड बाय 37 करेंगे तो 4 बाय. हां सर, मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड करके आंसर आया. यस सर. क्या क्या बोलो क्या क्या सर. पहले मैंने वो जो रेशियो है ना 7n प्लस 1 प्लस अपॉन 4n प्लस 27 उन दोनों को इनटू n डिवाइडेड बाय n किया. ओके, फिर इनटू 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 बाय 2. सर आप एक बार इसमें आप n डिवाइड किए दोनों को n मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई किए. हाँ. ओके. फिर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया. ओके. हाँ सर. फिर वो अंदर ले लो ना 2 को उसको 14 प्लस 2 ब्रैकेट n प्लस 2 n अपॉन 2. सर तो मैंने 2 को लिख दिया माइनस 14 प्लस 16. और 54 को लिख दिया माइनस 8 प्लस 16. को लिखा 14 16 माइनस 14. और उसको लिखा 62 माइनस 8. सर उन दोनों में 14 कॉमन और 8 कॉमन. 16 और 62 को थोड़ा साइड में रख. सर फिर 16 और 62 को हम 2 के मल्टीपल में 8 इंटू 2 लिख सकते हैं और 31 इंटू 2. ऐसे हमको ए और डी मिल जाएगा कंपेयर करने के बाद. ए तो इसका डी हो रहा है 40. यस सर. डी हो रहा है 8. हाँ सर. फिर मैंने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया वो आंसर आया 148 अपॉन 111. अच्छा, कंपेयर किए इसको ये रखे फर्स्ट सीरीज का ए सेकंड सीरीज का ए ये फर्स्ट सीरीज का डी ये फर्स्ट सीरीज का डी सॉरी सेकंड सीरीज का डी. यस सर. ए प्लस 10 डी डाले तो 8 प्लस 148 ये 31 प्लस 80. ठीक है चलिए. राइट सर, आपने जो पहले किया था वापस एक्सप्लेन करो. दो सीरीज रखा a1 प्लस d1 a1 प्लस 2 d1 एंड सो ऑन लाइक दैट. 2 में रखा क्वेश्चन दिया गया कि दोनों का sn का रेशियो SN फर्स्ट सीरीज का SN होगा n by 2 whole into 2a1 plus n minus 1 into d1. सेकंड सीरीज का SN होगा n by 2 whole into 2a2 plus n minus 1 into d2.
it is given 7n plus 1 upon 4n plus 27. मुझे अभी चाहिए ये दोनों का 11th टर्म का रेशियो, फर्स्ट सीरीज का 11th टर्म होगा a1 वो बंदे ने क्या ही दिमाग है, ये होगा a2 plus 22 राइट, तीस को कन्वर्ट ही कर दिया, इसमें n by 2 कैंसिल हो गया, ये दोनों का रेशियो जब रखा n by 2 कैंसिल हो गया, मुझे a1 चाहिए था, दोनों a1 और a2 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 2 में डिवाइड करेंगे तो ये a1 होगा, ये इतना होगा, ये a2 होगा। अब मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि मैं n minus 1 by 2 के जगह 10 डाल दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, इफ यू कंसिडर n minus 1 by 2 as 10 then ये हो जाएगा a1 plus 10d1, ये हो जाएगा a2 plus 10d1 क्योंकि ये सेम n, ठीक है, इसलिए n minus 1 by 2 को मैंने 10 रखा तो n equal to 21 लगा, तो now use n equal to 21 both the sides, दोनों साइड में n के जगह 21 डालो, तो ये हो गया a1 plus 10d1 upon a2 plus 10d2 is equal to 21 into 7 147 plus 1 148 4 into 21, 88 plus 27, triple O. ये दोनों divisible by 37, 37 divide करेंगे तो ये 4 होगा, ये 3 होगा. Okay sir. Done? Yes sir. Okay. तो आप लोग को मैंने booklet भेज दिया. हाँ sir. हाँ. तो module आपका in chapter exercise 1. ओके सर, सर टू बी नहीं, इन चैप्टर एक्सरसाइज वन इज द होमवर्क, ओके सर, राइट, यस सर, ठीक है सर, यस, बाय सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर, थैंक्स जी सर, बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय बाय।